गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर न्यू क्लास 9। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन टू कम इन न्यू क्लास। ओके स्टूडेंट्स, आई एम मनीषा, आई टीच यू बायो। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायो। दिस इज द चैप्टर नंबर 5 इन योर बुक, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। The fundamental unit of life is known as cell. The fundamental unit of life is cell. So in this chapter is related to cell. The study of cell is known as cytology. Okay. First, the cell first discovered by the Robert Hooke in 1665. सबसे पहले Robert Hooke ने 1665 में सेल डिस्कवर की थी। इट डिस्कवर द डेड सेल इन द कॉर्क। ओके, ही स्टडी द पीस ऑफ कॉर्क। व्हाट इज कॉर्क? पीस ऑफ बार्क ऑफ ट्री इज नोन एज कॉर्क। ओके, फर्स्ट ही ऑब्जर्व द कॉर्क अंडर अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। ही सॉ दैट इट रिसेम्बल लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम विच कंसिस्ट ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, यानी छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर बनी। इसने जब उस सेल की स्टडी की, इसने देखा कि वो क्या है, कॉर्क जो है छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर बना हुआ है, लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम। सो ही कॉइन्ड द टर्म फॉर दिस लिटिल बॉक्सेस सेल। इसने उस लिटिल बॉक्सेस को क्या नाम दिया? सेल। ओके, सो सेल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल रूम। आफ्टर दैट इन 1674 लीवेनहॉक डिस्कवर द लिविंग सेल इन द पॉन्ड वॉटर। ओके, रॉबर्ट होक डिस्कवर द डेड सेल इन द क्वार्क and Leeuwenhoek discovered the living cell in the pond water. Robert Brown discovered the nucleus in 1831. He discovered he saw that in cell a dense structure is present in the cell. For this dense structure, Robert Brown coined the term nucleus in 1831. Purkinje coined the term protoplasm in 1839. Protoplasm, the fluid part that is present in this cell, this is known as protoplasm. So Purkinje coined the term protoplasm. Cell theory is given by Schleiden and Schwann in 1839. This cell theory suggest that every organism, all living organism, made up of one or more cells. Okay, and second point, the cell is the basic structural and functional unit of life. Okay, this cell theory suggests that all living organisms made up of one or more cells, and the cell is the basic structural and functional unit of the life. Because all organisms are made up of cells, so this is cell is the structure of structural unit of life, and all the functions are performed by the cell. So it is known as cell is the basic structure and functional unit of the life. मतलब organism की body cell से बनी है, तो वो क्या होगी? Structural unit होगी। जितने भी functions है body के, वो सारे कौन perform कर रहे हैं? Cell कर रहे हैं, ठीक है? तो so the cell is the basic structural and functional unit of life. Okay, after that Rudolf Virchow
expand the cell theory. Okay, and he said that all new cells arises from pre-existing cell. यानी जो कोई जो भी न्यू सेल बन रही है वो पहले वाले सेल में सेल डिवीजन होने से ही क्या बन रही है, न्यू सेल की फॉर्मेशन बन रही है. ये किसने बताया? रुडोल्फ वर्च ने. सेल थ्योरी के आगे एक्सपेंड है ये दोनों तो पॉइंट है ही सेल थ्योरी के. उसने इसमें क्या जो थर्ड पॉइंट और इसमें एड कर दिया, ऑल द न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. क्लियर? नाउ वी डिस्कस the size and shape of the cell. Okay, cell have fixed shape or not? Some cells have fixed shape and some cells have do not have fixed shape. Okay, like amoeba. If we talk about amoeba, it do not have fixed shape, no fixed shape. Okay, लेकिन कुछ cells की क्या है, fixed shape होती है. Fixed shape like oval shape. Okay, parenchyma जितनी भी cells है वो क्या है, oval shape की है. कुछ cells क्या होती है, rod shape है ना, spindle shape. तो कुछ cells की क्या है, fixed shape होती है और कुछ cells की fixed shape नहीं होती. ओके, देन नाउ वी टॉक अबाउट साइज. इफ यू टॉक अबाउट साइज ऑफ द सेल, सेल्स हैव वेरी मेन्यू टू वेरी लार्ज साइज. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स हैव 1 माइक्रोन टू 10 मिली माइक्रोन साइज. ओके, एंड यूकैरियोट्स 5 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन मीटर. ठीक है, यानी बहुत छोटे साइज से लेकर बहुत लार्ज साइज तक सेल हो सकते हैं. द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्म और PPLO इज द स्मॉलेस्ट सेल. एंड इफ यू टॉक अबाउट लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल. ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा. एग जो है शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, बर्ड है, उसका जो एग है वो क्या है, लार्जेस्ट सेल है. ओके, एंड लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल जो है ह्यूमन बॉडी की, नर्व सेल ऑफ द ह्यूमन इज द लॉन्गेस्ट सेल. क्लियर? ओके, सो नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेल. ओके, टाइप्स ऑफ सेल आर ऑफ टू टाइप. ओके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. ओके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है? एक तो साइज में हमने बताया, इसका साइज क्या है, साइज वेरी स्मॉल. They have large size. One main difference तो ये हो गया. Second, किस cell को हम prokaryote बोलेंगे? जिसके अंदर nucleus जो है well developed नहीं है. Okay? Nucleus is not well developed. इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस इज डेवलप्ड.
एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स में बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लांट्स और एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. ओके, यूनिसेलुलर लाइक अमीबा, पैरामीशियम, मल्टीसेलुलर सारे ये प्लांट है, ह्यूमन है, सारे क्या है, मल्टी सेलुलर. क्लियर? यस, क्लियर. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिस इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, वन सेल, सो ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देर आर ग्रुप ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. ओके, सो डिवीजन ऑफ लेबर टेक प्लेस, दैट मीन्स डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. ओके, सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर टेक प्लेस, एंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? यस. Now, we discuss the basic structure of cell. Okay, every cell has three features, three basic features. Okay, कौन कौन से हैं वो? Cell membrane. Every cell has three basic features. Every cell has cell membrane. Outer covering of the cell is known as cell membrane or plasma membrane. Fluid part of the cell is known as cytoplasm. In the center, a dense structure is present. This is known as nucleus. Clear? So every cell has three basic features. Every cell has three components: cell membrane, cytoplasm, and nucleus. Cell membrane is the outer covering of the cell. It is also known as plasma membrane. It is the semi-permeable membrane. Okay, and it is made up of lipid and protein. Clear? Next, second is cytoplasm, the fluid part of the cell. Okay, that are present between cell membrane and nucleus. This is known as cytoplasm. Okay, and the dense structure in the center of the cell, this is known as nucleus. Okay, in cytoplasm, there are different types of organelles are present. Okay, nucleus is known as the brain of the cells. Brain of the cell, because all the functions of the cell are controlled by nucleus. Like all the functions of our body are controlled by our brain. In this way, in cell, all the functions of the cells are controlled by nucleus. So nucleus is known as the brain of the cell. Okay students, हमने प्रोटोप्लाज्म की बात की थी ना, कि fluid part of the cell is known as protoplasm. That was the protoplasm term was coined by Purkinje. और अभी हमने बात की कि cytoplasm कह रहे हैं, तो protoplasm हम किस लिए यूज कर रहे हैं? Nucleus plus cytoplasm. Cell membrane के अंदर जितना भी portion है उसे उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? Protoplasm. That means nucleus plus cytoplasm is known as protoplasm. Clear?
There are questions in your book. Okay? Who discovered cell and how? अभी हमने डिस्कस किया, अभी किसने की थी डिस्कवर? रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर द सेल एंड हाउ ही ऑब्जर्व द पीस ऑफ कॉर्क अंडर अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. आई ऑल्सो दिस डिस्कस्ड. ओके, व्हाई? बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ बॉडी आर परफॉर्म्ड बाय सेल. सो सेल इज नोन एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. So, do these two questions in your notebook, beta, and also prepare notes, okay, of this chapter in your notebook. Okay, students, I hope you understand this topic. So, these components we will discuss in detail in our next video. Okay, students, till that time, watch video carefully, read chapter from book also. Thank you. Have a nice day.